तो महाराज यहां पर सभी रास कर रहे हैं। रास करते करते ठाकुर जी, राजा रानी, ग्वाल बाल, गोपियां सब एक कोने में आकर खड़े हो जाते हैं, बात करने लग जाते हैं। बात करते करते भगवान की नजर राधा जी के गले पर पड़ती है। राधा जी ने आज बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना था। वृषभानु जी बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। वृषभानु जी कौन थे? हाँ, राधा जी के पिताश्री। तो वो बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। तो राधा जी नित नए नए हार पहन के आती थी, कभी सोने का, कभी हीरे का, कभी मोतियों का। तो आज उन्होंने मोतियों का हार पहना, बहुत सुंदर। तो भगवान को वो दूर से दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था, तो उसको ठीक से देखने के लिए भगवान ने हाथ आगे किया। राधा जी समझ गई कि ये हार की तरफ देख रहे हैं। राधा जी ने सोचा थोड़ा मजाक करते हैं। तो जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी पीछे हट गए। भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा। राधा जी कहते, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, ये टूट गया ना तो तुम इसका मोल नहीं चुका सकते। ठीक है, चलिए, तो मजाक की बात है, मित्र मित्र एक दूसरे से मजाक ऐसे करते हैं, लेकिन मजाक में और किसी को तकलीफ पहुंचाने में दोनों के बीच बहुत पतली सी लाइन होती है और कई बार हम उसको पार कर देते हैं। तो राधा जी ने मजाक मजाक में फिर कहा कि कन्हैया ये टूट गया ना तो नंद बाबा यशोदा मैया बिक भी जाए तो इसका मोल नहीं चुका सकते। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन भगवान हमारे आपके जैसे थोड़ी है कि अच्छी नहीं लगी तो झगड़ा करने लगे। भगवान कुछ नहीं कहते, चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अब राधा जी सोचे कि ये तो नाराज हो गए। अब पहले फोन इत्यादि तो थे नहीं कि भाई घर पहुंचने से पहले मैसेज कर दो, कॉल कर दो। तो राधा जी ने सोचा कि कल रास के लिए आएंगे तब मैं मना लूंगी, माफी मांग लूंगी जो कहेंगे। भगवान कितने दिन तक रास करने ही नहीं आए। अब राधा जी को बड़ा अटपटा लग रहा है कि इनको इतनी बुरी लग गई बात। राधा जी भी रास करने नहीं आ रही, अपने घर पर है, उदास है, और कोई कुछ पूछ ले तो वो और जोर से रोने लग जाए। अब यहां पर नारद जी एक दिन वृषभानु जी के घर आते हैं। हालचाल पूछते हैं, राधा जी नहीं दिखती है तो पूछते हैं कि राधा जी कहाँ है। वृषभानु जी ने कहा वो कमरे में है, बहुत उदास है, किसी से बात नहीं करती, कुछ बोलती नहीं है, दिन भर बिना बात के उदास रहती है और कुछ पूछ लो तो रोने लग जाती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। नारद जी ने कहा, वृषभानु जी जब कन्या बिना बात के उदास रहने लग जाए, बिना बात के रोने लग जाए तो समझ लेना विवाह योग्य हो गई है, आप शादी कर दीजिए उनकी। वृषभानु जी ने कहा, लड़का भी तो अच्छा होना चाहिए। नारद जी कहते हैं, बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। वृषभानु जी ने कहा, क्या मतलब? अरे बोले, आपके मित्र नंदराय जी, उनका छोरा कृष्णा, उसमें क्या खराबी है? ठीक है, थोड़ी चोरी करता है तो वो तो शादी के बाद सुधर जाएगा। चलिए, ये तो भगवान है, इनकी ये चोरी तो इत्यादि लीलाएं हैं, कोई बराबरी नहीं है, लेकिन संसार में, हमारे आपके बीच, हमारे समाज में एक चीज मुझे बड़ी अटपटी लगती है कि जब कन्या बहुत समझदार हो जाती है, कि वो समझदार हो गई है, चीजें समझने लग गई है,
तो परिवार वाले कहते हैं इसकी शादी कर दो, और जब लड़का बहुत बिगड़ जाता है तब परिवार वाले कहते हैं इसकी शादी कर दो कि जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। ये अच्छी बात है, वो जो अपना घर परिवार छोड़कर आ रही है वो किसी को सुधारने आ रही है, उसके खुद के कोई सपने नहीं है। तो ये सोच बड़ी अटपटी लगती है। शादी दोनों की तब हो जब दोनों समझदार हो, शादी करने लायक हो, एक परिवार चलाने लायक हो, समझदार हो, तब जाकर दोनों की शादी करिए। एक समझदार है और दूसरा नहीं है, लेकिन बस इसीलिए कर रहे हैं कि जिम्मेदारी आएगी तो समझदार हो जाएगा, सुधर जाएगा, तो ये गलत है। क्योंकि अगर नहीं सुधरा तो तब तो उस लड़की की जिंदगी खराब। तो खास करके ये हर माता पिता से मेरी प्रार्थना है, क्योंकि शादी का मतलब सिर्फ ये नहीं दुनिया को दिखाने के लिए एक उम्र हो गई तब तो शादी करनी ही है, किसी से भी करना ही। शादी मतलब क्या होता है कि आप अपने बच्चों को ऐसे इंसानों के साथ मिला रहे हैं जो आपको लगता है कि अब हमारे जाने के बाद ये परिवार कहलाएगा, इसलिए जब समझदार हो जाए तब शादी कराओ। थोड़ा अपने बच्चों का ध्यान रखिए, इतना भी मग्न नहीं होना है कि बच्चे इधर उधर हो जाएं। तो यहां पर नारद जी ने कहा कि अच्छा जाना देखा घर है आपका, कुछ दिक्कत भी होती है तो आपके मित्र है नंदराय जी, आप जो चाहे उनको बोल सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक करो। नए घर में तो कुछ बोलने से भी डर लगता है। ब्रजभानु जी ने कहा बात तो सही है, तो रिश्ता भेज रहे हैं तो एक पत्र तैयार करते हैं जिसमें लिखते हैं कि वो चाहते हैं राधा जी उनके घर की बहू बने, अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो स्वीकृति पत्र भेजिए। लेकिन अब धनवान लोग हैं, खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं, तो उन्होंने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे मतलब जो शादी ब्याह में जिसमें सामान रखते हैं ना, बड़ी बड़ी थाली जैसे परात जैसे होते, तो वो होते खोमचे। तो 108 खोमचे तैयार किए, सब में कुछ ना कुछ रखा, किसी में कपड़े, किसी में क्या, अलग अलग कपड़े, अलग अलग तरीके, कभी कोई कपड़ा, कभी कोई कपड़ा, मेवा मिष्ठान, किसी में सोना, किसी में कुछ। एक खोमचा खाली बच जाता है, तो उसमें क्या रखे, तो उसमें खूब सारे मोती भर दिए गए और वो 108 खोमचे तैयार होकर जाते हैं। नंद बाबा के घर पहुंचते हैं, नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए। अब उन्होंने सोचा स्वीकृति पत्र तो भेजेंगे और ये खोमचे भी खाली नहीं भेजेंगे, कुछ ना कुछ इसमें भर कर भेजेंगे। भगवान भी वहां घूम रहे हैं, कनखियों से देख रहे हैं क्या क्या आया है, क्या लिखा है, प्रसन्नता हो रही है पर जता नहीं रहे हैं। अब यहां पर एकदम अंत में वो मोतियों का खोमचा रखा था, भगवान ने उसमें से एक मुट्ठी मोती उठाए और चले गए। अब सेवक खोमचे खाली कर रहे हैं तो नंद बाबा वहां फेरी लगा रहे हैं कि सब ठीक है ना, सेवक सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो नंद बाबा मोतियों के खोमचे तक पहुंचते हैं तो उनको मोती कम लग रहे हैं, और नंद बाबा देखे सेवक तो अभी तक मोतियों के खोमचे तक पहुंचे भी नहीं है, तो उन्होंने सेवकों से ही पूछा कि यहां कोई आया था क्या। उन्होंने कहा कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा कहते घर में ही चोर है, दूसरे से क्या पूछना। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तूने यहां से मोती उठाए। भगवान कहते हाँ उठाए। अरे आज तो मान गया, हमेशा मना कर देता है मैंने नहीं किया मैंने नहीं किया। नंद बाबा कहते क्यों उठाए। बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है, अभी तक तो पेड़ भी लगाए हैं। नंद बाबा को हंसी आती है कि मजाक कर रहा है, कहाँ कर दी खेती। बोले घर के पीछे। बोले जरा दिखाना। और घर के पीछे जाते हैं तो सच में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं
वैसे मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। भगवान कहते हैं अब एक नहीं 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजे गए। अब सब पे कपड़े रखे हैं, राधा जी को पता चलता है कि रिश्ता पक्का हो गया है, तो एक बार के लिए उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। वो आती है देखने ससुराल से क्या क्या आया है। पहला कपड़ा हटाया मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती, पांचवा, अरे और जोर जोर से रोने लग जाते हैं, क्योंकि किसी और को पता ना हो, पता राधा जी को पता है कि ये मुझे ही दिखाने को भेजे गए हैं कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। अब राधा जी बहुत उदास है, उनको ऐसा लग रहा है इनको इतना बुरा लग गया। बात सच में बुरी लगी होगी तभी जब शादी की बात हो रही है, उस वक्त भी उनको ये बताना नहीं भूला कि उनके घर में मोतियों की कमी नहीं है, मतलब बात दिल तक पहुंची है, तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। अब तो वो बिल्कुल उदास है, दिन भर रोती है, कुछ खा नहीं रही, किसी से बात नहीं कर रही। ब्रजभानु जी डर जाते हैं, तो उन्होंने एक ऐलान किया कि राधा बहुत उदास है, किसी से बात नहीं कर रही, भोजन नहीं कर रही, बहुत रो रही है, जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बात बरसाने से वृंदावन तक पहुंची, भगवान को खबर मिलती है, भगवान का मन विचलित हो गया। देखिए सच्चा प्रेम क्या होता है कि आप कितना ही झगड़ लें लेकिन आप उनकी चिंता करना नहीं भूल सकते। अगर वो तकलीफ में है तो आप उनकी चिंता करना नहीं छोड़ सकते। तो भगवान यहां क्रोधित है लेकिन अब भगवान को चिंता हो रही है, तो भगवान कहते अब तो मनाने जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कैसे चला जाऊं, सीधे सीधे चला गया तो क्या पता वही कह दे कि आ गए, एक खबर मिली नहीं कि आ गए मुझे मनाने। बलदाऊ भैया कह देंगे रिश्ता पक्का हुआ नहीं, चला जोरू का गुलाम। तो कुछ ऐसा करूं कि इतनी बड़ी बात भी ना माने कि सबको पता चल जाए कि क्या हुआ है, दोनों के बीच झगड़ा हुआ है ये, और वो मान भी जाए। तो उनकी नजर यशोदा मैया पर पड़ती है, उनको एक योजना उनके दिमाग में आती है। वो घाघरा उठाते हैं, दुपट्टा उठाते हैं, खुद घाघरा चुन्नी पहनते हैं, एक बड़ी सी पोटली लेते हैं और उसमें ढेर सारी चूड़ियां रखते हैं, रंग बिरंगी चूड़ियां, क्योंकि राधा जी को चूड़ियां बहुत पसंद थी। और मनिहारी का वेश बनाकर वो राधा जी के घर के नीचे घूम रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, लाल हरी नीली पीली चूड़ी ले लो।